All right, joining us right now is the Chief Minister of Rajasthan, Mr. Ashok Gehlot. Gehlot sahab, aapka NDTV mein bahut bahut swagat. Mera sabse pehla sawal, ye jo ladai hai corona ke khilaf, ab extension ho gaya hai, iska vistar ho gaya hai. Ashok Gehlot ji, aapko meri awaaz aa rahi hai? Ab aa rahi hai, ab aa rahi hai. Ji, Ashok ji, main aapse ye puchna chahta tha, ab jo vistar ho gaya hai, this extension of the lockdown, ye isme isko aap kis tarike se dekhte hain 3 mai tak? Kyunki ek jo sabse badi chunauti hai, the biggest challenge, इज माइग्रेंट वर्कर्स खाने के लाले पड़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 3 मई तक की, उसके बाद तो आज आनी थी गाइडलाइन, तो गाइडलाइन आ गई है. परंतु मेरा मानना है कि ये आप ठीक कह रहे हैं कि चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लॉकडाउन को खोलना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसकी तैयारी पहले होनी चाहिए थी. मेरे ख्याल में देरी हो रही है. पहले भी लॉकडाउन अचानक कर दिया गया, उसके कारण से मजदूर जहाँ थे वहीं रह गए, फिर एक साथ में दिल्ली में और कई जगह इकट्ठी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, फिर वापस सबको रोका गया. तो मेरा मानना अब भी अगर 5 दिन पहले, आज जो गाइडलाइन मिली है वो 5 दिन पहले मिलती, तो मेरे ख्याल आज को जो 20 तारीख को शुरू होगा काम, वो आज शुरू हो सकता था. अब क्योंकि आज गाइडलाइन मिली है, तो हमने यहाँ कह दिया, राजस्थान में कह दिया कि आप तो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू करें. 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे तैयारी शुरू करने में, इंडस्ट्री को भी, उद्योग धंधों को भी, मजदूर ढूंढेंगे, लाएंगे, वहाँ होंगे तो उनसे काम लेंगे, साफ साफ सफाई करेंगे, तब जाके 20 तारीख तक काम शुरू हो पाएगा. उसी रूप में हम चाहेंगे कि बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से 20 तारीख से हमारी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हो या व्यापार धंधे हो या पीडब्ल्यूडी के या इरीगेशन काम हो, जो जो छूट दी गई है उन तमाम कामों को हम चाहेंगे 20 तारीख को आराम से शुरू कर सकें. नहीं, लेकिन गहलोत साहब, आप मुझे एक बात बताएं, प्रधानमंत्री का जो भाषण था, जो राष्ट्र के नाम संदेश था, उसमें उन्होंने बोला कि 20 अप्रैल तक अलग अलग राज्य, जिले और यूटी प्रशासन जो है वो पहले तय करेंगे कि उन जगहों पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है या नहीं, उसके बाद ही ये सब फैक्ट्री और इंडस्ट्री खोली जा सकती है. आप कह रहे हैं कि अभी से ही वो तैयारी शुरू कर दी जाएगी? देखिए, ये तो हॉटस्पॉट सबको मालूम है, हमारे यहाँ करीब 49 जगह पर हॉटस्पॉट है, जहाँ कर्फ्यू लगा रखा हम लोग पहले से ही. जहाँ कर्फ्यू होंगे, जहाँ हॉटस्पॉट होंगे, वो तो गाइडलाइन भी है, गाइडलाइन नहीं भी हो, तब भी सरकार वहाँ पूरी तरह कर्फ्यू का पालन करवाएगी. वहाँ जो कोई आवाजाही नहीं होगी, वहाँ की कोई इंडस्ट्री शुरू नहीं होगी. इंडस्ट्री वहीं शुरू होगी जहाँ पर गांव के इलाके हैं, जहाँ पर कोई कर्फ्यू नहीं है, जहाँ कोई कोरोना का मरीज नहीं है, रिको का एरिया, सरकार के रिको होते हैं उनके एरिया हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, इस तमाम बातों का ख्याल रख के ही काम को आगे बढ़ाया जाएगा. मैं गहलोत साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हॉटस्पॉट्स का आइडेंटिफिकेशन तो हो गया है, आप कह रहे हैं आपने चिन्हित कर लिया है उन जगहों को जहाँ पर हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन वहाँ पर ना फैले संक्रमण, इसको लेकर के क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अब प्रधानमंत्री के भाषण से भी ये लग रहा था कि उनको बड़ी घोर चिंता थी इस बात की कि कहीं हॉटस्पॉट और ना बढ़ जाएं और ना फैल जाएं. देखिए, हॉटस्पॉट तो बड़े भी हैं. हॉटस्पॉट का मतलब क्या, जहां हमें 1 या 2 मीटर से पेशेंट, उसको हम लोग 2 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाते हैं. जिसको संक्रमित व्यक्ति मिला है उसकी हिस्ट्री क्या है, कहां कहां वो गया है, आस पड़ोस में कौन लोग रहते हैं, तमाम लोगों की जांच शुरू हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग हॉटस्पॉट को चिन्हित करते हैं. हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हॉटस्पॉट चिन्हित हुए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कई जगह से नेगेटिव रिपोर्ट आने लग गई है, और कई जगह जैसे पीड़ा के अलावा भी कई इलाके ऐसे जहाँ पर पहले पॉजिटिव थे अब नेगेटिव हो गए हैं, तमाम उन लोगों को लेके हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि हॉटस्पॉट को अलग करके ही हम लोग इस काम को करेंगे और व्यवस्थित तरीके से करेंगे, जिससे कि कोई तकलीफ आगे किसी को भी नहीं हो. अब गहलोत साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस न्यू गाइडलाइन. यू आर सेइंग दैट इट टुक इट्स वाइल कमिंग, थोड़ा समय लगा इसको आने में, 5 दिन पहले दे देते तो ज्यादा गनीमत होता, ऐसा आपका कहना है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरकार ने 20 अप्रैल के बाद अलाउ करने बोला है और कुछ अभी भी बंद है. मेरा आपसे ये जानना है गहलोत साहब, इसमें, इस गाइडलाइन में कहीं भी दिहाड़ी मजदूरों को लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं है. आपको लगता है ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी जिसको लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं बनी? देखिए, फॉर्चुनेटली आपको जाके खुशी होगी, जिस दिन लॉकडाउन हुआ है
उसी दिन से हमने राजस्थान भर में जिनको कहते हैं डेस्टिट्यूट असहाय लोग, जिनको आप कह रहे हैं अभी, उनका मैंने सर्वे करा है हर जिले के अंदर। जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, भिखारी की तरह लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेले चलाते हैं, इन तमाम लोगों का अलग से सर्वे करवाया है। और मजदूरों को बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय की तरह इनको भी 1,000 रुपये पहले दिए गए कैश के अंदर, जिनके खाते नहीं थे, फिर 1,500 रुपये और दिए, 2,500 रुपये हमने इनको दिए राजस्थान के अंदर। हमारी टॉप प्रायोरिटी के अंदर वही है जिसकी आप जिक्र कर रहे हो, राजस्थान में हमारी ये दिक्कत नहीं है। और ये इनके एजेंडा में मैं समझता हूँ होना चाहिए, अब भी वो घोषणा कर सकते हैं। और क्या किस किस्म की घोषणा हो सकती है, अगर आपको आपको कोई सलाह देनी होती तो आप क्या बोलते, क्या हो सकती है वो घोषणा जिससे रियायत मिले, आराम मिले? यही कहना चाहूंगा, एक तो मजदूर जो फंसे पड़े हैं राज्यों में, उनका एक बार मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा तब एक बार वो अपने घर जाते। इतने वो हिल चुके हैं, घबरा गए, पता नहीं कोरोना अभी है, अभी लॉकडाउन खुलेगा वापस बंद हो जाएगा, लॉकडाउन कर देंगे, कोरोना खत्म होगा वापस कोरोना आ जाएगा, इतने हिले हुए लोग हैं। तो मेरी सलाह रहेगी एक बार इनके लिए जो जाना चाहते हैं अपने घर पे, वो घर पे जाएं। जब फैक्ट्री चालू होगी स्वतः ही मजदूरी के लिए वापस आएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। रास्ते में जो अटके पड़े लोग, जिनके लिए कैंप लगाए हम लोगों ने, खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, ये व्यवस्था करीब करीब सभी राज्यों ने करी है, पर गहलोत साहब उससे काम नहीं चलने वाला है। पर गहलोत साहब सरकार का अपने घरों में नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, जब सरकार विदेश से भारतीयों को ला सकती है तो इन मजदूरों के लिए क्यों नहीं सरकार रह सकती? लेकिन सरकार का ये दावा है कि अगर ऐसे ही सब लोग अपने अपने घर जाते रहेंगे तो संक्रमण फैल जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो और लॉकडाउन का पूरा मकसद है वही डिफीट हो जाएगा। देखिए आप देखिए, आज उनको 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन में अगर फैलना होता तो फैल जाता, जब 20 दिन के बाद में वो स्वस्थ है, कैंपों के अंदर स्वस्थ है, एक बार घर जाना चाहते हैं तो ये थोड़ी काम की नहीं है। अब तो एक बार उनको घर भेजना चाहिए था। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट भी करी थी, कोटा के अंदर पर 25,000 छात्र पूरे देश के IIT और कोचिंग करते मेडिकल की, वो अपने घरों में बंद पड़े, किराए के मकानों के अंदर वो बहुत तकलीफ के अंदर है, उनको हम चाहते हैं एक बार उनको भेजना चाहिए था। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस पैदा होता ज्यादा बेहतर रहता, मेरा मानना है। मेरा आपसे आखिरी सवाल अशोक साहब, इससे पहले कि हम आपको आपसे इजाजत लें, आपने कोटा का जिक्र किया, कोटा जैसे कि हम सब जानते हैं एक कोचिंग हब है भारत का, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पर बहुत सारे मामले भी अब आ गए हैं, करीब 40 से ज़्यादा वहाँ मामले हो गए हैं, ये एक नया चिंता का विषय बन रहा है। कोटा से निपटने के लिए क्या कोई कोटा मॉडल होगा या भीलवाड़ा से सीख वहाँ लगाई जाएगी? देखिए भीलवाड़ा मॉडल तो एक आधार है, सभी जगह पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर वही करना पड़ता है। जब तक आप कंटेंट करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है और सर्वे करवाना पड़ता है घर घर के अंदर, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, चिन्हित होने वाले लोगों को टेस्ट करना पड़ता है, वो सारी ड्रिल अब कर लेंगे तो वो एक प्रकार भीलवाड़ा मॉडल हो जाएगा। वही ड्रिल हम लोग पूरे राजस्थान में कर रहे हैं, जयपुर में और भी अधिक पेशेंट बढ़ गए हैं और बढ़ सकते हैं, इलाके ऐसा ही है, पर एक दो इलाकों के अंदर सीमित है, पूरे जयपुर में इस प्रकार नहीं फैला हुआ है। इसी प्रकार कोटा के अंदर भी जो दो मरीज आए थे उसके कारण फैल गया था, ये हमारे सब जानकारी के अंदर है। हम चाहेंगे वहीं तक इनको सीमित रखें और पूरी ड्रिल अपनाएं जिससे कि ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाए हर जगह पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, NDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।